सरकारी अस्पतालों में मरीज बड़ी उम्मीद से जाते हैं कि वहां से दवा खाने के बाद वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जरा सोचिए, अगर आप इन सरकारी अस्पतालों से दवा खाते हैं और आपको पता चले कि ये दवा आपकी जान भी ले सकती है तो आप क्या सोचेंगे। ऐसा ही मामला सामने आया है 7 लाख लोगों के साथ जिनकी सांस अटक गई है। क्या है पूरा मामला, खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। सरकारी अस्पताल में जब कोई गरीब आदमी जाता है तो वहां पर वो बेहतर इलाज की उम्मीद में लेकर जाता है, लेकिन अगर सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज की जगह पर आपके सेहत को और खराब कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे। दरअसल इस मामले से उत्तर प्रदेश के 20 जिले में लोग परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें कि मलेरिया, डेंगू, बुखार के कहर के बीच आगरा, अयोध्या, बरेली समेत प्रदेश के 20 जिलों में 7 लाख से अधिक मरीजों को घटिया एंटीबायोटिक दवा बांट दी गई। इस बात का पता तब चला जब आजमगढ़ में स्थानीय औषधि विभाग की ओर से कराई गई जांच में दवा का सैंपल अचानक फेल हो गया। रिपोर्ट के बाद जब मेडिकल कॉरपोरेशन दवा वापस मंगाता तब तक 95% दवा खपत हो चुकी थी। लैब रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल कॉरपोरेशन ने दवा वितरण पर तत्काल रोक लगा दी और जिलों से दवा वापस मंगाई गई। उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉरपोरेशन सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से बरेली समेत 20 जिलों में अगस्त महीने में सिफ्लॉक्सिन 250 mg कैप्सूल की सप्लाई की गई थी। सर्दी, खांसी, बुखार आदि में रोगियों को दी जाने वाली ये एंटीबायोटिक दवा जेस्ट फार्मा ने दी थी। जुलाई 2023 में बनी दवा की एक्सपायरी जून 2025 में थी। मेडिकल कॉरपोरेशन की तरफ से 11.5 लाख कैप्सूल अलग अलग जिलों में भेजी गई थी। इसमें अलीगढ़, आजमगढ़, झांसी, बरेली, आगरा, अयोध्या और बस्ती जिले में 60,000 कैप्सूल मरीजों को देने के लिए भेजी गई थी। वहीं बलिया, बदायूं, बागपत, बुलंदशहर, अमरोहा, अंबेडकर नगर, बहराइच, बिजनौर, औरैया, बलरामपुर, बांदा, अमेठी, बाराबंकी जिले में 50,000 कैप्सूल सप्लाई हुई थी। ये दवा नवंबर तक दवा जिलों में मरीजों को बांटी गई थी। आजमगढ़ में औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं प्रशासन की ओर से जनपदीय ड्रग वेयर हाउस में कई दवाओं का सैंपल लिया गया था। इसमें सिफ्लॉक्सिन 250 mg दवा भी थी। आगरा लैब की जांच रिपोर्ट में ये दवा अधोमानक निकल गई। बरेली को 60,000 सिफ्लॉक्सिन कैप्सूल सप्लाई की गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दी, जुकाम, बुखार में एंटीबायोटिक के रूप में ये दवा सबसे अधिक दी जाती है। इस समय सिर्फ 900 कैप्सूल ही बचा है। अधिकांश जिलों में इसकी खपत 95% तक हो चुकी है। अगस्त में दवा बलिया, बदायूं, बागपत, अमरोहा, बुलंदशहर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बिजनौर, औरैया, बलरामपुर, बांदा, अमेठी, बाराबंकी जिले में 50,000 कैप्सूल सप्लाई की गई थी। अलीगढ़, आजमगढ़, झांसी, बरेली, आगरा, अयोध्या और बस्ती में ये दवाएं 60,000 भेजी गई थी। जनपदीय ड्रग वेयर हाउस चीफ फार्मासिस्ट कुंवर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉरपोरेशन के निर्देश के बाद दवा वापस मंगाई जा रही है। सभी सरकारी अस्पतालों में पत्र भेजकर दवा वितरण पर रोक लगाने को कहा गया था। जिले में अब तक 900 कैप्सूल ही बचा है, यानी 95% से ज्यादा दवाएं खपत हो चुकी है, यानी लोगों ने इसे इस्तेमाल कर लिया है। प्रकरण में सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि इसी दवा का सैंपल शुरू में पास हो चुका था। नियम अनुसार जब फार्मा कंपनी की तरफ से दवा सप्लाई की जाती है तो पहले लैब में जांच होती है। मानक के अनुरूप होने के बाद ही दवा सप्लाई होती है। इसके बाद जिलों के ड्रग वेयर हाउस में दवा सप्लाई होने के बाद एक बार फिर क्रॉस चेक की जाती है। उसमें भी पास होने पर ही दवा मरीजों में वितरित होती है।